मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को मुख्य आरोपी सुरेंद्र राजपूत के मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। हत्याकांड में सुरेंद्र के साथ ही विवेक के घर को भी तोड़ दिया गया है। प्रशासन ने नेमावर बस स्टैंड के पास स्थित वार्ड क्रमांक 10 में मुख्य आरोपी सुरेंद्र चौहान और उसके भाई वीरेंद्र चौहान के मकान और दुकान पर जेसीबी चलाई। पुलिस अफसर और जवानों की मौजूदगी में मकान और दुकानें तोड़ी गई। वहीं वार्ड क्रमांक 14 खाईपार नेपावर में स्थित दूसरे आरोपी विवेक तिवारी के पुश्तैनी मकान को भी गिरा दिया गया। बताया जाता है कि यह मकान विवेक के दादा कमल किशोर तिवारी के नाम पर था। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर चंद्र मौली शुक्ला, एसपी शिव दयाल सिंह और साथ में बड़ी संख्या में पुलिस का अमला मौजूद रहा। प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य बहुत ही सूक्ष्मता से और सावधानी पूर्वक संकलित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं रहे जो आवश्यक हो। हमारा प्रयास ये है कि इसको जल्दी से जल्दी त्वरित न्यायालय में इसकी सुनवाई करा के और चिन्हित अपराधों की श्रेणी में इसको रखा गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर हालत में इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सभी अपराधियों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं, उनके जहां जहां भी यहां भी अन्य जिलों में जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो सब भी खंगाले गए हैं। उनके ऊपर और भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसमें जहां जहां आवश्यक है उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी ली जा रही है। यदि कोई अवैध है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उनके सभी अन्य जो स्रोत हैं उनकी जानकारी ली जा रही है। साथ के साथ ही इनके जो अन्य जिलों में यहाँ पे जो क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन सब की जानकारी हम लोग संकलित कर रहे हैं ताकि नंबर वन विक्टिम को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। सर, क्या अभी और आरोपी क्या गिरफ्तार हो सकते हैं पुलिस के अनुसार? अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उनमें इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यदि कोई और साक्ष्य आएंगे या इस तरह की कोई बात आएगी तो वो आगे फिर बता दी जाएगी। थैंक यू। घटना हुई थी अत्यंत ही जघन्य और खराब थी। इसको लेकर के इस तरह के जितने भी अपराधी चिन्हित रहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसी क्रम में हमने जो इसके चिन्हित अपराधी हैं उनका जो भी संपत्तियां हैं कल उसमें उनको चिन्हित किया था। ये भी देखा गया कि निर्माण अवैध भी है और लगभग 4,500 स्क्वायर फीट में निर्मित है। आज हमारी पीड़ित परिवार के लिए कल शासन के निर्देशानुसार मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें 41,25,000 रुपये की उनको सहायता दी गई है। एक परिवार में जो एक भाई बहन हैं उनके हम ज्वाइंट खाते में वो राशि डालेंगे। दूसरा जो परिवार है उनके अलग से नाम है। तो आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका है, मेरे समझ से मैं मीडिया के साथियों को शेयर भी कर दूंगा। शासन ने उसमें कल ही निर्देश जारी कर दिया था। आपको बता दें कि 13 मई को नेमावर में सुरेंद्र राजपूत ने अपने भाई वीरेंद्र राजपूत, दो नौकरों और दो दोस्तों की मदद से आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर अपने खेत में दफना दिया था। 1.5 महीने बाद पांचों के शव पुलिस ने 10-12 फीट की खुदाई करके बाहर निकाले थे। हत्याकांड की मुख्य वजह आदिवासी परिवार की बेटी रूपाली को सुरेंद्र से शादी में रोड़ा बनना था। दोनों में अफेयर था और रूपाली शादी के लिए दबाव बना रही थी जबकि सुरेंद्र की कहीं और शादी तय हो गई थी। गुरुवार को ही पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था जिसके बाद प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।